गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। आई एम सॉरी, मेरे हाथ में द टाइम्स ऑफ इंडिया है 15 सितंबर का सैटरडे का, और जैसा कि आप जानते हैं इस सीक्वेंस में 25 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज 26th लेक्चर होने वाला है। लेक्चर देने से पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा आप सबका इस चैनल की ग्रोथ के लिए और सपोर्ट के लिए। बच्चों, इस अखबार वाले जो वीडियोस अब तक जितने भी मैंने 25 वीडियोस दिए हैं, अगर आप एक वीडियो से एवरेज 20 वर्ड्स भी लेंगे तो 500 वर्ड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर के आपके पास चले गए हैं, अगर आपने उसको तैयार किया है। जगह जगह काम आएगा। सबसे पहली चीज तो आप जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश स्पीकिंग में ये शब्द आपके काम आएंगे। लिखी हुई इंग्लिश आपको जल्दी समझ में आएगी, तो इसका एडवांटेज जगह जगह पे आपको मिलेगा। ग्रामर सुधरेगी, उच्चारण सुधरेगा, और जल्दी ही आपको पूरा न्यूज़पेपर समझ में आने लगेगा। और इसीलिए इस एक्टिविटी का नाम दिया गया है, सीखे इंग्लिश न्यूज़पेपर को अच्छी तरह समझना। ओके, चल मेन न्यूज पे आते हैं। एससी अवार्ड्स रुपीज 50 लाख अवार्ड, AWARD। मैं शब्द को, अगर आपके पास पेपर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं वर्ड्स को स्पेलिंग के साथ बोलूंगा और हिंदी बोलता हूं, आप नोट कर सकते हैं। ओके, अवार्ड माने एक तो इनाम होता है, पुरस्कार, और ये वर्ब भी है, पुरस्कार देना भी। एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पुरस्कार देता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, ज्यादातर इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडिंग्स प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होती हैं, हालांकि इनका भाव भूतकाल से होता है। ओके, तो एससी सुप्रीम कोर्ट ने इनाम दिया, भाव ही आएगा, रुपीज 50 लाख का टू साइंटिस्ट, वैज्ञानिक को, फॉर अरेस्ट, अरेस्ट माने गिरफ्तारी के लिए, इन फॉल्स, फॉल्स माने झूठा, इसरो स्पाई केस, आई एम सो सॉरी, स्पाई, SPY, स्पाई माने जासूस, इसरो जासूस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए का इनाम दिया है साइंटिस्ट को। ओके, आगे खबर बढ़ रहे हैं। पैनल टू प्रोब केरल पुलिस, केरला पुलिस ऑफिसर्स रोल, एक पैनल है, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स यानी लोगों का समूह, काबिल लोगों का समूह, प्रोब लिख लो, PROBE, प्रोब माने जांच करना, एक पैनल टू प्रोब मतलब जांच करना है, यानी ऐसी योजना है। तो एक पैनल जांच करेगा केरला पुलिस के अधिकारियों की भूमिका, रोल का मतलब भूमिका की। अब मेन खबर चालू हो रही है, प्लीज एक्सक्यूज मी, Nearly 24 years after, nearly माने NEARLY, लगभग, लगभग 24 साल बाद, साइंटिस्ट नाम्बी नारायणन, जो साइंटिस्ट है उनका नाम है नाम्बी नारायणन, was framed, लिख लो, FRAME, फ्रेम माने फंसाना, किसी इंसान को फंसा देना। मतलब साइंटिस्ट नाम्बी नारायण जी को फंसाए जाने के 24 साल के बाद एंड अरेस्टेड, और उनको जो गिरफ्तारी हुई थी इन द सो कॉल्ड इसरो स्पाई केस, जिसको कहा जाता है इसरो जासूस मामला, द सुप्रीम कोर्ट क्रिएटेड हिस्ट्री, लिख लो, क्रिएट हिस्ट्री माने इतिहास रच देना, आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया, क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, बाय इनवोकिंग, लिख लो, INVOKE, इनवोक का मतलब उपयोग करना, यानी उपयोग करते हुए, बाय इनवोकिंग मतलब उपयोग करके, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया, सुप्रीम कैसे, संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
टू डायरेक्ट द केरला गवर्नमेंट, डायरेक्ट में निर्देश देना, केरल सरकार को निर्देश दिया टू पे कि चुकाओ रुपीज 50 लाख कंपेंसेशन, लिख लो COMPENSATION, कंपेंसेशन माने हर जाना या मुआवजा। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया केरला गवर्नमेंट को कि आप 50 लाख रुपए हर्जाना दीजिए। किसको दीजिए? टू हिम, हिम का मतलब साइंटिस्ट को, फॉर ब्लैटेंट वायलेशन। बड़े खूबसूरत शब्द आते हैं बच्चों इसमें, खूबसूरत, ब्लैटेंट लिख लो BLATANT, ब्लैटेंट का मतलब स्पष्ट, खुला, वायलेशन VIOLATION, वायलेशन माने सॉरी उल्लंघन यानी तोड़ना, इसकी वर्ब थी वायलेट, खुला जो उल्लंघन हुआ ऑफ हिज राइट, RIGHT राइट माने अधिकार, टू लाइफ माने जिंदगी, जो उनकी जिंदगी जीने का जो अधिकार था उसका जो खुला उल्लंघन हुआ उसके लिए 50 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है केरल की सरकार से कि दीजिए आप उनको मुआवजा दीजिए। ये इसका यहां तक का मतलब निकला। इसके आगे का मैं पैराग्राफ अगले वीडियो में दे रहा हूं आपको, प्लीज बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।